देखिए, आज 30 से ज़्यादा नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है और उनका हम पैंथर्स पार्टी में स्वागत करते हैं। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लिया, परख लिया, और जिस तरीके से ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में एक ज़्यादती नौजवानों के साथ हुई है, विद्यार्थियों के साथ हुई है, उससे ये तमाम लोग जो हैं वो खफा हैं। और पैंथर्स पार्टी की कारकर्दगी को देखते हुए जो 6 सालों में पैंथर्स पार्टी लगातार नौजवानों के लिए लड़ती रही है, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए धरने प्रदर्शन करती रही है, जम्मू में जाकर, दिल्ली में जाकर, और डोमिसाइल के लिए लड़ती रही है, बेरोज़गारी जो है उसके खिलाफ लड़ती रही है, 4G के लिए लड़ती रही है, या दूसरे जो इश्यूज़ हैं उनके लिए लड़ती रही है, इसलिए इन नौजवानों ने आज पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। हम इनको यकीन दिलाना चाहते हैं, जितने भी युवा शामिल हुए हैं, कि पैंथर्स पार्टी इनके तमाम मुद्दों को पूरी शिद्दत के साथ उठाएगी और जम्मू के साथ जितना भी भेदभाव हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और पूरी शिद्दत के साथ न केवल युवाओं के बल्कि जो ट्रेडर्स हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, मजदूर भाई हैं, किसान हैं या आम नागरिक हैं, उनके तमाम मुद्दों को एक एक करके जो है वो उभारेगी और उनको पाए तकमील तक पहुंचाएगी। इन्हीं की तरह हम जम्मू के बाकी युवाओं से, विद्यार्थियों से, आम नागरिकों से भी आज अपील करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पैंथर्स पार्टी में शामिल होइए, इसको मजबूत बनाइए ताकि जम्मू का सही मायने में सशक्तिकरण हो सके।